बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं सबसे छोटे बड़े आज़म और दुनिया के छठे बड़े तरीन मुल्क की, जिसका 90% इलाका बेआबाद है और जहां कटिंग की दुकान खोलने से पहले उसका डिप्लोमा लेना पड़ता है। इस मुल्क की आबादी कम है और भीड़ें सबसे ज़्यादा हैं। अजीब बात यह है कि ये एक मसीही मुल्क है, लेकिन खाना काबा में कुर्बानी के लिए सबसे ज़्यादा जानवर यहीं से भेजे जाते हैं, जिसे काले पानी की सरजमीन भी कहा जाता है, जिसके सहरा में अगर कोई रास्ता भटक जाए तो वो मुश्किल से ही जिंदा मंजिल तक पहुंचता है। ये एक ऐसा मुल्क भी है जहां हर तरफ सिंह सरदार नज़र आते हैं। जिस वक्त पूरी धरती पर सर्दी होती है, इस मुल्क में उस वक्त जोरों की गर्मी होती है। ये मुल्क बाकी मुमालिक से 6 महीने पीछे है। मुल्क में 6 टाइम जोन हैं, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक 3 घंटों का फ़र्क है। दोस्तों, आज की वीडियो ये मालूमात से भरपूर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिग नॉलेज पर नए आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। ऑस्ट्रेलिया, इसका ऑफिशियल नेम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये एक बरआज़म भी है और एक मुल्क भी है। इंतहाई अजीब व गरीब किस्म का मुल्क है। इस पर खुश्की के बहुत ही बड़े खित्ते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ही बड़े खुश्की का एक खित्ता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत से छोटे बड़े जज़ीरे मौजूद हैं। इसी वजह से ये ना ही बरआज़म की तारीफ पर पूरा उतरता है और ना ही जज़ीरे की तारीफ पर। ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल ज़बान जो है वो है इंग्लिश, लेकिन इसका लहजा मखसूस ऑस्ट्रेलवी होता है। ऑस्ट्रेलिया में लिटरेसी 99% है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को ज़्यादातर बाहर ममालिक के तलबा दिखाई देते हैं। ये मुल्क तरक्की में बरतानिया और कुछ दूसरे ममालिक से थोड़ा आगे है। ये एक वाहद मसीह तरक्की याफ्ता मुल्क है। जब तलबा अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें वहाँ की शहरियत का लालच देकर वहीं पर लग लिया जाता है, और इस तरह वो काबिल लोग हासिल कर लेते हैं। बड़े कामों के लिए वो इन लोग तरबियत याफ्ता लोगों को इस्तेमाल करते हैं और छोटों कामों के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत ने वसाइल और आबादी पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया का रकबा 70,48,720 मुरबा किलोमीटर है, यानी 2700 किलोमीटर लंबी सहली पट्टी भी इसमें मौजूद है, और ये वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कंट्री है, और इसकी आबादी सिर्फ 2,58,10,000 है। ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 9 गुना छोटा मुल्क है। इसका 90% रकबा बेआबाद है। अगर ये चाहे तो उस रकबे पर पाकिस्तान जैसे 10 ममालिक आबाद कर सकता है, लेकिन इसे मालूम है कि मुल्कों को आबाद करने के लिए सिर्फ रकबा ही नहीं बल्कि वसाइल भी चाहिए होते हैं। इसलिए इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून अपनाए हुए हैं, और ये गैर हुनरमंद लोगों को अपने अंदर मुल्क में नहीं घुसने देते। अगर आप हुनरमंद हैं तो ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सन्नत में ममालिक से मात खा चुका है, इसलिए उन्होंने ज़रात को ही अपनी सन्नत बना लिया है, और वो गन्ने, कपास, केले और दूसरे फल और सब्जियां उगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गाय दुनिया भर में मशहूर है, और ये डेयरी प्रोडक्ट बनाता है। दुनिया का महंगा तरीन शहर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मौजूद है। ये मुल्क गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं और इससे $24 मिलियन पर सालाना कमाते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को नक्शे पर देखें तो इसके तमाम शहर आपको समंदर के किनारे पर मिलेंगे। तहम इसका ज़्यादातर हिस्सा बंजर और विरान है और सहरा पर मुश्तमिल है। ये मुल्क इतना सुर्ख है कि जैसे मरीख का हिस्सा हो। ऑस्ट्रेलिया की करंसी डॉलर है, और इसे दुनिया की जदीद तरीन कंट्री करंसी भी समझा जाता है। ये वाटर प्रूफ है और पॉलीमर से बनी है। एक जजीरे के तौर पर ऑस्ट्रेलिया 3 मुख्तलिफ समंदरों से घिरा हुआ है। जनूब में जनूबी बहर, मगरब में बहर हिंद और मशरक में बहर और काहिल। ऑस्ट्रेलिया वाहिद बरआज़म है जिसका इहाता किसी एक मुल्क से होता है। ऑस्ट्रेलिया वाहिद बरआज़म है जो जुग्राफियाई तौर पर मुकम्मल तौर पर जनूबी निस्कुरा में वाक़ है।
कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया के दारुलहुकूमत के तौर पर फैसला किया गया था, क्योंकि गुजरे हुए वक्तों में सिडनी और मेलबर्न इस बहस को रोक नहीं सकते थे कि इसे किसे मिलना चाहिए, और सच पूछें तो बेहतर शहर कौन है इस बारे में दुश्मनी आज भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी सहल के 50 किलोमीटर के अंदर रहती है। तमाम ऑस्ट्रेलियाओं में 25% से ज़्यादा लोग दूसरे मुल्क में से आए हैं। दुनिया का कदीम तरीन फॉसिल ऑस्ट्रेलिया में दरियाफ्त हुआ, जो कि 3.4 बिलियन साल पुराना है। ऑस्ट्रेलिया 10,685 साहिलों का घर है, जिसका मतलब है कि हर रोज़ मुख्तलिफ साहिलों पर जाने में आपको 29 साल लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदगी से बर्फबारी स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा होती है। दुनिया की 20% जुए की मशीनें यानी पोकी ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, जिसमें 80% से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया जुए की किसी न किसी शक्ल में हिस्सा लेता है। तस्मानिया दुनिया का सबसे साफ तरीन शहर है, जिसमें साफ आबोहवा मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया लंदन और मास्को के दरमियान फासले जितना चौड़ा है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा ढांचा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 30,000 है और इंफ्रादी चट्टानों से बना हुआ है, और इसे खला से भी देखा जा सकता है। गोल्ड कोस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, जो वोयनस और एमस्टरडम डैम दोनों के मुश्तरक निज़ाम से बड़ा है। अजीम सहराए विक्टोरिया पूरे बरतानिया से भी बड़ा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। ऑस्ट्रेलिया 1902 ईस्वी में ख़वातीन को वोट देने वाला दूसरा मुल्क था। ऑस्ट्रेलिया वो बरआज़म है जिसमें आतिश फशां मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 1970 ईस्वी में दुनिया का पहला सीट बेल्ट कानून ऐजाद किया। कैंकरों की 60 से ज़्यादा अकसाम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, क्योंकि कैंकरों जो है ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 25 से ज़्यादा जहरीले सांपों का घर है। ऑस्ट्रेलिया मकड़ियों की 15,000 से ज़्यादा अकसाम का घर है। ऑस्ट्रेलिया हर साल 1.7 बिलियन लीटर बियर पीते हैं, यानी हर बारे के लिए 680 बोतलें पर एक साल में मुख्तस हैं। ऑस्ट्रेलियाई खानों में सबसे बुनियादी खाना एक सोडा ब्रेड है, जिसे टेम्पर भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। खुदा हाफिज़।